किसने दिया दिमाग? इतना मसाला मत लगा चल। ये वाला तू ले ले। नहीं वही अच्छा, चलो खराब हो जाएगा। नहीं वो अच्छा है यार, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, जो मैं लेती हूँ उनको वही लेना होता है। मैं ये छोड़ के जा रही हूँ, ये चिढ़ते हैं मुझसे क्योंकि मैं हर एक कलर में सुंदर लगूंगी। कोई बात नहीं, मैं इसमें भी बहुत सुंदर लगूंगी। उसको मिलकर चलते हैं, अगर मिलकर नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने मुझे पहले भी बहुत बार बोला है। तो मैंने कहा चलो चाहे खड़े खड़े मिलकर जाए पर मिलकर जरूर जाएंगे। मंगलो नाई शराब का ठेका और पेट्रोल पंप। फाइनली हम लोग घर पे पहुंच गए हैं, शादी के बाद पहली बार मिले। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब, होप करती हूं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो हम लोग पहुंच चुके हैं दूसरी लोकेशन पे और यहां पे आए हैं हम लोग बाकी फेस्टिवल्स के लिए सूट वगैरह लेने। तो ये है नूरे इलाही, जहां से हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे सूट हम पहनते हैं। गोलू के पास मैंने बिग बॉस हाउस में ग्रीन कलर का सूट पहना था, स्टेज पे वो मैंने यहीं से बनवाया था। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रही हूं क्योंकि यहां का काम खत्म करके हमें पहुंचना है घर, क्योंकि हम चाहते हमारी जिम मिस ना हो। 11 बजे तक पहुंचे तो 11 बजे जाके भी हम जिम करेंगे। कोलू फोन पे है, ठीक है तो बस चलते हैं अंदर। तो भाई एक गुलाब ने दो गुलाब को गुलाब दिया है, बहुत ही सुंदर था, गुलवारी बहुत अच्छी है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो मैंने ग्रीन सूट पहना था सेम मेरा और गोलू का दोनों का था। इस लड़की ने पहना नहीं क्योंकि इसके साइज में बहुत डिफरेंस आ गया है। जो आपने भेजा था ना, सो मच, वो इतना ज्यादा लूज था, इतना ज्यादा लूज था, शायद पुराना मेजरमेंट और आपके मेजरमेंट में फर्क है। सो नो प्रॉब्लम, विल टेक योर फ्रेश। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं वापस से, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे फेस्टिवल है, जागरण है, सगाई है, एंगेजमेंट है, बहुत सारी चीजें आ रही है। तो हम वापस से नूरे लाइफ पहुंच गए हैं और सिलेक्ट करते कुछ बढ़िया सा फर्स्ट क्लास है, जो कि आप लोगों को भी हमारी ड्रेसें बहुत पसंद आती है। तो आप इनको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और सिलेक्ट करते हैं। तो आप ऑनलाइन भी व्हाट्सएप पे भी आप चेक कर सकते हैं और हम इनकी आईडी भी टैग करेंगे इंस्टाग्राम पे, तो वहां से आप यहां पे डायरेक्ट कॉल करके अपने आर्टिकल देख सकते हैं। तो गाइस यहां पे सबसे पहले मेन मकसद हमारा ये है कि गोलू का एग्जैक्ट मेजरमेंट यहां पे पहुंच जाए, क्योंकि इसके मेजरमेंट्स बहुत ज्यादा चेंज हुए हैं। सबसे पहले गोलू को खड़ा कर दिया, वो मेजरमेंट दे रही है अपने। मेरे तो ऑलमोस्ट इनके पास सारे मेजरमेंट्स हैं, क्योंकि जब गोलू बिग बॉस हाउस में थी तब मेरे लिए भी कपड़े आए थे, वो मुझे बिल्कुल अच्छी फिटिंग में आए थे। तो गाइस मुझे ढोकला और पालक ढोकला बहुत पसंद है, हमें मतलब ऐसा मीठा इतना कम पसंद है। बाकी ढोकला हेल्दी भी होता है, अच्छा भी होता है ना, मैं ढोकले से ज्यादा पालक ने भी बहुत प्यारा ढोकला बनाया था, किसी दिन खिलाएगी आपको, बहुत अच्छा बना। मेरा अगर मेरे को ढोकला खा ले तो मैं ढोकला खाना छोड़ दोगे? नहीं खाना छोड़ दोगे? ढोकला नहीं बर्फी बनाई थी इसने बेसन की, काफी समय हो गया चूल्हे पे खाना नहीं बनाया। तो गाइस अभी टर्न है पायल की मेजरमेंट की, तो देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती देखी मैंने और पायल ने, जो हैंड वर्क में है, और ये जो फैब्रिक है ना ये शिमोय सिल्क, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। और आने वाले देखो फेस्टिवल सीजन में ना ऐसी कुर्तियां अच्छी लगती है। मैं ऐसा सोच रही हूँ हमारे यहाँ पे गणपति जी आ रहे हैं, तुम ये पहने उस दिन, वाओ क्या लगेगा गोलू, और हम कंफर्टेबल भी रहेंगे, कंफर्टेबल भी रहेंगे क्योंकि पापा आएंगे तो हमें बहुत सारे काम। वाओ यार पायल, तो इसका क्या है ना गाइस, किसने दिया दिमाग, इतना मसाला मत लगा। तो गाइस इसका क्या है ना, ये सिर्फ कुर्ती है, पर जो प्रीति जी है ना वो हमें ना पूरा इसको कस्टमाइज करके देंगे, चुन्नी देंगे साथ में। तो मेरा तो फाइनल हो गया है, मेरा पहन रहे हैं ये वाला, 6 तारीख को गणपति जी जिस दिन हमारे घर आ रहे हैं तो मैं यही वाला पहन रही हूँ। सेम ईयर सेम, दोनों सेम सेम, बस गले का फर्क है। ये वाला तू ले ले। नहीं वही अच्छा, गोलू खराब हो जाएगा। नहीं वो अच्छा है गोलू खराब। योगेश भैया जल्दी आओ, योगेश भैया देखो भैया नहीं यार, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, जो मैं लेती हूँ उनको वही लेना होता है। मैं ये छोड़ के जा रही हूँ, गाड़ी निकालो, गाड़ी में बैठ, लिख लो, मैं रख देता हूँ, दिखाओ जल्दी। अरे तुम विश्वास, गाड़ी में बैठ जा, विश्वास है ना, हाथ तोड़ देता हूँ अभी पहले। अच्छा मैं पहन के भी दिखा देती हूँ गाइस, क्योंकि अभी जो है ना लूज फिट में है, मेरी फिटिंग होनी बाकी है। देखो गाइस जो जो चीज में मेरा हाथ लगता है ना ये चिढ़ते हैं मुझसे, क्योंकि मैं हर एक कलर में सुंदर लगूंगी। कोई बात नहीं, मैं इसमें भी बहुत सुंदर लगूंगी, मैं ऐसे ना लोगों को ऐसे, ये देखो गाइस दे देती हूँ, जब फिटिंग हो जाएगा ना बहुत सुंदर लगेगा बहुत। ये मेरा कॉलर दिख रहा है अभी थोड़ा सा, मेरे को लग रहा है बहुत सुंदर लग रहा है। बेटी ये मैंने तुझे ऐसे दान दी है, जैसे मैंने तुझे लहंगा दान दिया ना, या ऐसे मैंने ले लो, इट्स ओके। पर ये आदमी बहुत धन्य है, इसके साथ आना इतना बड़ा गलत डिसीजन है ना मेरा। अगली बार जब भी ये आ रहा होगा, और इसके साथ चलो मजबूरी है मेरी, ये भी जब भी ये आ रहा होगा, मजबूरी तू अपनी दूर कर सकती है, जब भी ये आ रहा होगा मैं नहीं आऊंगी, तू ये मजबूरी दूर कर सकती है। जब हमें लुधियाना आना तो घर पे बच्चे संभालियो, तू भी मेरे लिए खुद पसंद करके ले आएगा। हां ठीक है, ये किसने बोला? अरे कर लेंगे ना, जो आपको पसंद नहीं आएगा वो इनको दे देंगे, ये बात सही थी। तो भाई यहाँ पे सूटों के भी ऐसे नाम है ना, जैसे ऐसे लग रहा है कि किसी लड़की को बुला रहे हैं। फर्दीनिया क्या था, फ्रिशिया एशिया, मतलब ऐसे ऐसे नाम है। मैं कह रही हूँ आपको नाम याद करने भी
मतलब याद रखना पड़ता होगा ये वाला ब्रांड है, ये वाला ब्रांड है। भाई कपड़ों के काम में बहुत मेहनत है और बहुत सारे ब्रांड है। तो गाइस यहाँ पे ना मतलब जो सूट है ना वो इतने टुकड़ों में आते हैं, इतने टुकड़ों में आते हैं, और टुकड़ों में आने के बाद वो इतना ब्यूटीफुल बनता है ना पीस, इतना ब्यूटीफुल बनता है। तो ये इसके पीसेस बताती हूँ पहले कितने। ये फ्रंट पे आएगा, ये स्लीव्स है, ये दुपट्टा है गाइस, ये बैक है। अच्छा ये बैक है, ये दुपट्टा है, ये दुपट्टा है, 1 2 3 4 ठीक है। ये हो गया नेक पीस 5, ये हो गया नीचे का घेरा 6, ये भी घेरे के ऊपर आएगा शायद 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 पीसेस में ये पूरा एक सूट है। और जब ये सूट बनता है ना तो इतना जबरदस्त बनता है, हर कोई पूछता है कहाँ से लिया, तो हमने लिया है नूरेला से। और ये जो सूट है ना, नॉर्मल अगर आप लोगे ना आपको नॉर्मल समझ नहीं आएगा, अगर आप ऐसे कोई डिजाइनर पीस लोगे ना कोई देखेगा तो फिर वो एक अलग ही, वो ये कहेगा क्या यार ये टुकड़ा, जब जुड़ते हैं ना तो अल्टीमेट चीज निकलती है। बोलो ये कलर ना तेरे पे ज्यादा सूट करेगा, मेरे पे ना ऐसे पिंक पर्पल ब्लू मैं ये क्या कह रही हूँ, ये कलर ना तू ले ना मैं ले, पूछ क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अभी मैंने थोड़े दिन पहले इनसे प्रीति किया था ऑरेंज कलर का, कलर पहना था हमने सारे सरिता के उसमें पहना, और सरिता जी की, और मैंने उसमें भी पहना था अभी राखी वाले दिन भी पहना था। तो ये कलर हटा दो, मुझे ये कलर बड़ा सुंदर लगा, क्या जी कलर है ना, है ना, एक एक करके दिखाओगे तो आपको भी होएगा हमें भी होएगा, घर भी निकलना। टचअप की बड़ी जरूरत पड़ती है, अब नेक्स्टली कहीं हमें जाना है और तो मैंने कहा थोड़ा टचअप कर लूँ। वैसे क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी इतना प्यारा फिल्टर लगा दिया। तो भाई हमने यहाँ पे अपने लिए 6 सूट सिलेक्ट कर लिए, और सिलेक्ट करने के बाद उनको कैसे सिलवाना है वो सबसे बड़ा टास्क होता है। तो मैंने वो प्रीति जी पे छोड़ दिया, मैंने कहा आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा बना दो, क्योंकि जो भी बनाएंगे ना जबरदस्त बनाएंगे। पर भी मैं दिखा नहीं रही हूँ, ये सरप्राइज है सबके लिए कि हमने क्या लिया क्या नहीं लिया। इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करूंगी, क्लैप करूंगी, तब दिखाऊंगी कि हमने क्या लिया। तो भाई आना जाने का समय हो गया, अभी बच चुके हैं 10 और घर पहुंचना है, घर पहुंचते मुझे लग रहा है 1 बज जाएगा। ओके प्रीति जी, तो फिलहाल सूट वगैरह सिलेक्ट करके हम लोग निकल गए, और निकलते निकलते भाई मेरी इतनी प्यारी सी दोस्त जिसकी शादी हुई है हमारे यहाँ से यहाँ लुधियाना में, तो उसको मिलकर चलते हैं, अगर मिलकर नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने मुझे पहले भी बहुत बार बोला कि आना आना आना, तो मैंने कहा चलो चाहे खड़े खड़े मिलके जाए पर मिलके जरूर जाएंगे। उसकी क्या बोलते हैं ससुराल वालों को, इन लॉज से भी मिल लेंगे और उससे भी मिल लेंगे, और थोड़ा वो भी हो जाएगा ना कि यार इतने प्यार से बुलाया है तो फिर अच्छा नहीं लगता ना ससुर के सामने ना। हाँ तो भाई चलते हैं। तो हमारी लोकेशन से भवदीप की लोकेशन जो है वो 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पर हमने सोचा चल कोई बात नहीं जब इतनी दूर घर से चल के आए हैं तो 11 किलोमीटर और सही, जल्दी चलेंगे जल्दी आएंगे, एक दो रोटी खा लेंगे बस, ज्यादा नहीं। भाई तू रोटी खाने जा रहा है, मिलने जा रहा है? भाभी आपकी फ्रेंड है तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगेगा उनके इन लोग को कि आए और कुछ खा पी के भी नहीं गए। आप मत खाना, आप चाय पियोगे ना, अभी आप कह रहे थे चाय पियोगे, तो आप चाय पी लेना, हम रोटी खा लेंगे, क्यों बोलूं भाभी, मैं भी खा लूंगी अगर इतने प्यार से मत खाना लाएंगे, एक आधी रोटी दो। और ऐसे भी एक बात बता पायल, तुझे तो घर का खाना पसंद है ना, तू भी खा लियो, चल देखते हैं। तुम लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो एक आधी रोटी मैं खा ही लूंगी, हम फोर्स नहीं कर रहे भैया, पर अगर पायल नहीं होते तो हम लोग पहुंच भी नहीं पाते वहाँ पे। हेलो, हाँ जी, हाँ निकल गए आ रहे हैं, बस ऐसे आएंगे, बस आएंगे मम्मी पापा सबसे मिलेंगे और निकल जाएंगे, ठीक है। बोल दो बटर रोटी नहीं, बटर लगवाना। ऐसे नहीं, मुझे बच्चे देखने, 3-3 घर पे है यार, लेट हो जाएगा, समझे, आ रही हूँ आ रही हूँ। मेरे को कह रही है, तो फोन पे बात करती, कह रहे थे बटर रोटी लगवा देना, ना लगवाना चाह रही हूँ। अच्छा, मेरे को कह रही है आप आओगे अपनी मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी से, मैंने कहा हमारे छोटे छोटे 3 बच्चे, कह रही टेंशन मत लो, चल 10-15 मिनट लगा के निकल देंगे। भाई टाइम, एग्जैक्ट टाइम, टाइम नोट कर लेना, क्योंकि हमें यहाँ से बहुत दूर जाना है, घर जाते ही रोटी खा लियो, नमस्ते भी नहीं करी, नमस्ते तो कर देंगे, बदतमीज है यार, तो आपकी फ्रेंड है, मेरा कोई फ्रेंड तो मेरी है पर वो अपने ससुराल में, घर पे थोड़ी है, ससुराल में इज्जत रखनी पड़ती है। हाँ यार, क्योंकि लड़कियों की भैया बहुत वो होता है ससुराल में, देखो नई नई शादी, हम लोग मजाक मस्ती कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, हमारी बातों पे आप हंस सके इसलिए, बाकी हम बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो गाइज मेरी फ्रेंड के घर पहुंचते पहुंचते ना मुझे सच में भूख लगने लगी, अब तो ऐसा लग रहा है डिनर करके ही निकले, डिनर करके अपना सोते हुए जाएंगे, हैं गोलू, कंबल ले लूंगी इसके घर से, पतला मैं भी सो जाऊंगा, अगर तू सो गया ना हम भी सो जाएंगे, तो गाड़ी कौन चलाएगा, बोल कैसे रहे हो, मैं तो भूख के मारे जान निकल रही है, इतनी जान निकल रही है तो पीछे रोटी रखे गोलू खा ले, नहीं खानी टिंडा, और टिंडा नहीं है वो घी है, घिया नहीं खाना मुझे, घिया बिल्कुल मन नहीं कर रहा घिया खाने का। और मैं ऐसी रेसिपी दूंगी ना बिटर गॉड की, बिटर गॉड बोलते हैं ना, ऐसी रेसिपी दूंगी ना बिटर गॉड की, जो नहीं भी खाता वो भी खाने लग जाएगा, मैं जो खाता है वो भी नहीं खा रहा, मैं पता नहीं अभी टाइम लगता था, क्योंकि ये रेसिपी पायल ने बनाई होती मैं फिर भी छोला खा लेती, अब ज्यादा नहीं बोलते भूख लग रही है,
तो वहाँ पहुँच के मिलते हैं। गूगल मैप भी इतना घुमाता ना, इतना घुमाता है, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता था और 10 मिनट को कम से कम भी इसने हमारा आधा घंटा खराब कर दिया इस गूगल ने। अब जाके मेरी जो फ्रेंड है वो खुद अपने हस्बैंड के साथ हमें लेने आई है, आगे उनकी गाड़ी चल रही है, पीछे हमारी गाड़ी चल रही है, अब जाके हम लगता है कि पहुंचने वाले घर। जब पहले ऐसे होता था ना पहले के जमाने में, क्योंकि गूगल मैप से होते नहीं थे, तो हमारे को किसी को एड्रेस समझाना होता तो हम बोलते थे हमारे घर के पास कोई मंदिर हो, नहीं हमारे हमारे तो मंदिर के पास मंगलुनाई दिखाया था, मंगलुनाई हमारी लोकेशन होती थी, मंगलुनाई शराब का ठेका और पेट्रोल पंप और हमारी पता क्या डेसू कॉलोनी हमारी क्या होती थी, लाल बिल्डिंग स्कूल। अच्छा ये सोसाइटी में इनका ये था। तो तेरा क्या था यहाँ पे फ्लैट, यानी सब हर शहर में है ना ये एलडीगो। अच्छा तो देखते हम भी एलडीगो में। तो गाइस ये है मेरी वो फ्रेंड भवदीप जिसकी इतनी देर से मैं बातें कर रही थी और फाइनली हम लोग घर पे पहुंच गए हैं, जैसे तैसे पहुंच ही गया। हम ना आधे रास्ते में हो गया था कि नहीं वापस चलो, मुझे भी ऐसा लग रहा था, मैंने कहा कि ना हम वापस चले जाते हैं, पर फिर देखा रास्ता 2 मिनट का, मैं कोई बात नहीं वो भाई वेट कर रही है, चाहे 10 मिनट के लिए जाए पर जाएंगे जरूर। और आती इतनी ज्यादा खातिरदारी हो गई है ना, हमने बोल के आए थे ना हम नहीं खाएंगे कुछ नहीं खाएंगे खाएंगे तुम ना बस ये वाला व्लॉग मत देखना कोई भी मत देखना, आप तो सारे व्लॉग मत देखना। क्यों क्यों बस अच्छा खा के आए हो? नहीं खाने की डिमांड नहीं व्लॉग में कहा था कि रोटी में ज्यादा बटर मत लगा, ठीक है नहीं लगाएंगे और बताओ और कुछ नहीं। तो भाई बस अब थोड़ी देर में निकलते हैं, बच्चे ज्यादा वेट कर रहे हैं, बस 10 मिनट हो। पर इसने मुझे आते मेरे को फोन पे बोल दिया था भवदीप ने कि तुम आओगे अपनी वजह से जाओगे हमारी वजह से, यही बोला था हमारे घर का रूल है। तो जो हमारे पापा जी है ना हमारी, तो भाई ये कह रहे हैं हमारे घर जो मेहमान आते हैं बिना खाए नहीं। पापा जी आपको मिलवा रही हूँ मैं, तो ये हमारे पापा जी और भाई ये हमारे जीजा जी, ये हमारे और इन्हीं की मैं बात कर रही थी कि ना अगर चीकू को पता चल गया ना कि हमारे हिजू का क्या काम है टॉयज का, तो वो पागल हो जाएगा। स्पेशल चीकू को शॉप पे बुलाना, अब हमने मैंने बोला अगली बार शॉप पे, अगली बार जब भी आऊंगी ना गाइस मैं चीकू को लेकर आऊंगी, अभी 3 बच्चे और हैं, चारों को लेके आएंगे बिल्कुल ठीक है। मेरा तो हो गया गाइस पूरा हो गया खत्म, तुम लोग खाते हैं ना बहुत 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 कम इतना इतना खाते हैं ना हमारे पेट भर जाता है। क्या कर रही है? ओ भूल गई थी सर्विस नहीं है बस थैंक यू। तो ये गोभी है ना, मंचूरियन नहीं अच्छा पास्ता, हाँ आई लाइक पास्ता। तो गाइस जब भी भवदीप हमेशा घर पे आती है ना, शादी से पहले की बात कह रही हूँ क्योंकि अभी तो यहाँ पे वो शिफ्ट हो गए, तो हमेशा ना वो चीकू के लिए हमेशा चॉकलेट लेके आती थी, तो वो चीकू को इंतजार रहता था कि भवदीप आएगी और चीकू के लिए चॉकलेट लेकर आएगी। तो अभी भी ना वो स्पेशली चीकू के लिए ना टॉय भेज रहे हैं। भाई आपका जो शॉप है आप उसका नाम भी बताओ ना, कालरा स्पोर्ट लुधियाना में, कालरा स्पोर्ट्स वहाँ पे जरूर जाना एक बार और देख के आना, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे कलेक्शन मिलेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि के लिए बहुत ही सुंदर पिंक कलर कोई वैसे कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आजकल लड़का लड़की सब सेम कलर पहनते हैं, जैसे भवदीप ने और हमारी चीजों ने सेम कलर के बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत सुंदर एज अ कपल बहुत अच्छे लग रहे थे। तो भाई अगर आपको भी चाहिए तो कालरा स्टोर जरूर जाना। तो अब हम निकलते हैं, बहुत हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा डिनर करके, नेक्स्ट टाइम आएंगे लंच डिनर सब कुछ करके आएंगे और शॉप पे जो मर्जी ले जाना, जो जो चाहूंगी पक्का आऊंगी, पक्का आऊंगी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, ओके जी बाय, ओके बाय, नमस्ते नमस्ते अंकल, नमस्ते अंकल, बहुत अच्छा लगा, पक्का आऊंगी नेक्स्ट बार, ये बेल्ट खोल बेल्ट खोल ले यार मेरी, चलो सबका खाना हो गया, यस चलो अब बिना गाड़ी रोके घर पहुंचाते भाई, इसलिए मैंने खिला पिला दिया कि वापी उगेश तो शर्मा रहा था ना मैंने कुछ नहीं खाया वापी, सिर्फ 2 रोटी खाई, तूने चाउमीन नहीं खाई ना, इसने चाउमीन खाई भाई, मैंने चाउमीन खाई, कभी गाड़ी ठोक दी थी चाउमीन के भी भाई, चाउमीन चल ठीक है हमने मान लिया तूने कुछ नहीं खाया, 2 रोटी खाई बस बस बस, चलो जो कोई मैंने काजू खाया ना मैंने पता, अरे मेरा फोन किसके पास है, मेरे पास मेरा है, पर पायल जो भी है मैं ना चीकू को ना बड़े होने से पहले पहले ना एक बार जरूर यहाँ लेकर, मतलब मेरे को ना मन है कि चीकू को पूरे टॉय फैक्ट्री में छोड़ दूँ एक दिन के लिए। यार मेरा दिल कर रहा है और कंबल लेना भूल गया, बहुत याद नहीं दिलाया तूने, मैं कंबल मांग लेती, अच्छा नहीं लगता पायल कंबल मांगती हो, क्या सोचेगी वो, यार बतला से कंबल ले लेती जब वो आएगी उस साइड में दे देती वापस। पर मुझे एक चीज अच्छी लगी गाइस पता है क्या, जो हमने भवदीप को ना शादी पे गिफ्ट किया था ना उसने बेडरूम पे लगा रखा है, मैंने वहाँ का व्लॉग नहीं बनाया, अच्छा नहीं लगता ना क्योंकि किसी की पर्सनल चीज होती है, बहुत सुंदर लग रहा था वो, हमने गोल्डन कलर का ऐसे फूल वाला दिया था और सबके बेडरूम्स भी देख के आए ना, और हम सबको ये बोल के भी आए व्लॉग में देखना, मुझे लग रहा है सब देखेंगे और बहुत हंसेंगे घर पे सारे इकट्ठे बैठ के। चीकू को टाइम से सुला दिया था, टाइम से सुला दिया। चलो अच्छे बच्चे हो तुम, और बच्चे बाकी जाग रहे सो रहे हैं, जाग रहे हैं और बाकी सब सो रहे हैं।
खाने का क्या बनाए घर पे? खाने का क्या बनाए? योगेश भैया सुन रहे? सुन रहा हूँ, सब कुछ खा लिया पेट में। भी तू कह रही खाने का, अरे जाते जाते भूख लग जाएगी ना। मेरा फोन ही कट गया भाई, गंदी नजर है तुम लोगों की। जैसे मैंने बोला ना, शर्म आ गया। जो क्या बनाया खाने का? आपने क्या रेसिपी भेजा है? मैंने भेजा था रेसिपी, मैंने भेजा था। ठीक है, मैं आके खाऊंगी। उसको बोली चटनी भी चाहिए मुझे, पुदीना धनिया वाली भैया। हाँ, पर अभी ना बनाए, जब मैं आऊंगी आधे घंटे पहले, पौने घंटे पहले बता। चलो ठीक है, बाय। तो भाई सच में बहुत अच्छा लगा भवदीप से। तो देखो, भवदीप को तो हम बहुत साल से जाते हैं, जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए ना चंडीगढ़, तब से हम भवदीप को जानते हैं। जब सपना दीदी हमारे घर पे मतलब हमारे साथ रहते थे, और पर उनकी फैमिली से मतलब जीजू से तो हम मिले थे स्टेज पे, फैमिली से नहीं मिले थे। और उनकी फैमिली से मिलके ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिले हैं। सच में बहुत लवली फैमिली, बहुत लवली फैमिली। अंकल जी, आंटी जी, जी ताई जी, भैया ताई जी, ओरियो डॉगी छोटा सा, उनकी नंद भी थी ना, उसका नाम मैं भूल। तो भाई शादी के बाद पहली बार मतलब वैसे तो हम मिलते रहते थे, शादी के बाद पहली बार मिले हैं खुद उसी के ससुराल में। उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा। मेरे पास भवदीप का मैसेज भी आया था, क्योंकि ना हमारा बन ही नहीं पा रहा था कि हम जाए जाए। मैंने कहा नहीं यार, एक बार बोल दिया तो जाना ही। तो बस अब भैया कितनी देर का रास्ता रह गया? चलो शुक्र है भगवान, 20 मिनट का रास्ता रह गया, 20 मिनट में हम घर पहुंचे। शुक्र है भगवान ने, शुक्र है योगेश खींच लाया मीटर 105 किलोमीटर। सड़क खाली थी बिल्कुल, ठीक है। सो जाता तो क्या होता? तो ये कमल भैया चला लेते नहीं तो मैं चला लेती। एक बात बताइए, तो ऐसे बोल रहे हैं सो जाते से हम सो रहे हैं? जैसे पूरे रास्ते एक टुक आंक देख सारे। मेहनत तो हमने करी है, लहंगे हमने पहने, साड़ी हमने पहनी, सब कुछ हमने पहना। तुमने तो खड़े होकर देखा था वहाँ। तो गाइस जिसने व्लॉग नहीं देखा ना, मलिक व्लॉग्स पे देख के आना। हमने एंगेजमेंट की तैयारी कर ली है, हमने वहाँ बहुत सारे लहंगे साड़ी वगैरह ट्राई करी बहुत कुछ। और हमने ये पूछा है कि हमें कौन सा ड्रेस कब पहनना चाहिए, वो कमेंट करके जरूर बताना। तो जिसने अभी तक मलिक व्लॉग्स पे व्लॉग नहीं देखा, जल्दी जाके देख ले। गाइस पता नहीं एसिडिटी हो गई, इतना बार का खाने को हो गया यार। फाइल में सच में मैं कसम खा रही, मैंने इतना नहीं खाया। चाउमीन ली थोड़ी सी, पनीर का एक टुकड़ा लिया, एक स्प्रिंग रोल का लिया, मंचूरियन मैंने ट्राई नहीं किया, पास्ता मैंने थोड़ा सा खाया, रोटी डेढ़ खाई, दाल मखनी थोड़ी। आज ना क्या हुआ ना, जिम भी नहीं हुआ, बोले ऐसे मत कर दिमाग उठा, पर मेरे को बाहर के हवा बिल्कुल पसंद नहीं है, सांस नहीं आ रहा, मरने तो वाले नहीं है। गोलू इतनी जल्दी थोड़ी, गोलू क्या हुआ, गोलू बोलो आखिरी सांस क्या? तो गाइस योगेश भैया ने मुझे एसिडिटी की दवाई दी है, क्योंकि ना बहुत ज्यादा ना शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत देर बाद खाना खाए और कभी कभी तब भी एसिडिटी हो जाती है। या तुम बाहर का पूरे दिन से खा रहे हो? अक्सर मैं खाना खाती नहीं बाहर का ना, हम घर का ही खाना खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। तो भैया कह रहे ये खा लो, क्या मतलब ठीक हो जाओ, चबा दो इसको, ये तो गमी है। मैं तो आज तक एसिडिटी का सिरप लिया है या फिर गोली खाई है। मैंने भाई पैंटी खाती हूँ, मैं कभी एसिडिटी होती पैंटी खाई है। ये तो क्या आदमी, इसने पता नहीं क्या खिला दी, बोलो बता ना क्या खिलाया, अभी बता नहीं सकता। तो गाइस फाइनली हम थकते थकाते घर पहुंच गए, और अभी भी 1:01 है। एक बजने में एक मिनट है हम लोग, पता कैसे बताया, हमने सामने चल रहा है, सामने देख। मैं भी क्यों यार, बड़ी अभी ना कल परसों की बात है, चीकू की ना पीटीएम थी गाइस, तो ना मैं आपको बताया नहीं उस चीज का। हम लोग लेट सो रहे हैं आजकल, आपको पता ही है बच्चों की वजह से ना लेट सोते हैं। उस दिन नैना नहीं आई, उस दिन नैना नहीं आई थी, सिर्फ शांति थी, तो गोलू बच्चों के साथ सोई थी, 3 बजे सोई, तो तीन साढ़े तीन हम सारे एक साथ ही सोए थे। तो मैं ना सुबह मैंने 7:40 का अलार्म लगा रहा था, मैं चीकू पापा चीकू हम लोग सो रहे थे एक साथ, ये वहां सो रही थी। तो ना जैसे अलार्म बजा मेरी नींद खुली, चीकू पापा बोले खड़ी हो, चीकू को स्कूल जाना पीटीएम उसकी, मैं खड़ी हो गई। अब मैंने बोला हुआ था गोलू आज मैं नहीं जाऊंगी, आज मैं नहीं उठ रही, क्योंकि रोज पायल उठती, तो मैंने कहा चल ठीक है। तो मैंने अपना अलार्म ना लगाया हुआ था, इसलिए अपना 8 बजे लगा था। मैं कमरे में एंटर हुई, मेरे इस हाथ पे तुबा सो रही, इस हाथ पे जैद सो रहा। तो भाई मैंने इसको बोला गोलू गोलू उठ गोलू, तो ये उठी। मैंने बोला टाइम हो गया चल, करिए अभी टाइम नहीं हुआ, मैंने आराम में इनके 7:40 हो रहे हैं। भाई चिल्लाई बहुत जोर से, मैं क्या चली गई यहाँ से, मेरा आराम अभी बजेगा नहीं, सिर्फ बजेगा उठ जाऊंगी यहाँ से। भाई फिर मैंने कहा अब बहस करने का फायदा नहीं है, भाई गुस्से में मैं चुपचाप गई, गई। अच्छा सुनो भाई, पता क्या हुआ, ये मेरे पास आई ना योगेश भैया, तो जैसे मैंने बोला, मैंने कहा 7:40 हो रहा है, 8 नहीं बजे, मेरे को मत उठा, मैं उठ जाऊंगी चली जाए से। फिर ना जब ये चली गई ना, मैं 8 बजे उठी 15 मिनट बाद, मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैंने इसको ज्यादा तो नहीं बोल दिया। फिर मैंने कहा नहीं यार मेरी भी गलती नहीं है, मैं इतनी थकावट उड़ती गाइस, क्योंकि रात मैं भी गाइस मैंने भी कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा ये अब ये गुस्से में अब लड़ाई हो जाएगी, भाग जा भाई, मैं भाग गई। नहीं है कभी टाइम आएगा या कभी आपको उठाना है तो आप भी कह देना। तू तो पता नहीं तेरे को क्या दिक्कत है मुझसे, कोई क्या तू तो नवेला था क्या पिछले जन्म में? नवेला नहीं, नेवला होता, नेवला तू के नेवला और था क्या? मैं सांप थी, तेरी मेरी बनती नहीं है। मैडम मैम प्लीज, मैम प्लीज, और भी सामान है मैम, हम आपके नौकर हैं मैम, कोई बात नहीं। सॉरी
मैं आपसे बहुत लड़ता हूँ आपके लिए। बचा हुआ मैको अपनी खाने बचा हुआ नहीं है ये ब्रांड में, पता क्यों खिला रहा हूँ? क्यों? इसमें भी लॉजिक है क्योंकि आपको और एक एसिडिटी, तो आप ये खा लो ना, कोई दिक्कत नहीं चाहता है मेरे को और एसिडिटी हो जाए। शर्म आनी चाहिए इंसान को ना। गोल उठा, ये हमारा गिफ्ट है। किसी ने इतने प्यार, किसी ने क्या, प्रीति जी ने इतने प्यार से दिया है। एक सामान और है, एक पीछे डिग्गी में एक सामान और है, वो निकाल के दो।